मित्रों कैसे हैं आप। मित्रों जिस तरीके से वर्तमान समय में माहौल चेंज हो रहा है, पूरा वातावरण बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम लोग जिस तरीके से जी रहे हैं अपने जीवन को, अधिक ड्रग्स लेना, अधिक शराब सिगरेट धूम्रपान का अधिक से अधिक सेवन करना, तेल मसालेदार और मैदे वाली चीजों का अधिक से अधिक सेवन करना, ये हमारी पूरे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं, हमें बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित कर देती हैं। साथ ही जो वर्तमान समय में ये जो टेक्नोलॉजी का माहौल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, इसकी वजह से भी हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। राइट, जो मोबाइल का हम लोग अधिक से अधिक यूज कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और तमाम अन्य सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जो हमें रात रात तक जगाने पर मजबूर करते हैं, साथ ही जो टेलीविजन है, मोबाइल्स हैं, ये सभी बहुत ही घातक हैं हमारे हेल्थ के लिए। ये सारी कंपनियां षड्यंत्र करती हैं कि किस तरीके से हमको फंसाया जा सके। यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स के डायरेक्टर ने ये कहा कि आने वाले भविष्य में हम ऐसे ऐसे शो लॉन्च करेंगे जिसको लोग देखने के लिए रात रात भर जगें, यानी आपको इतना एडिक्टिव बना दिया जाएगा कि आप उन शोज को देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये जो है पूरा बहुत बुरा षड्यंत्र है जिसमें हमें फंसाया जा रहा है, जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। जो कार्टून्स दिखाए जा रहे हैं, जो टेलीविजन पे जो शो दिखाए जा रहे हैं, जो मूवीज दिखाई जा रही हैं, जो न्यूज दिखाए जा रहे हैं, इन सभी चीजों पे उन्हीं लोगों का हाथ है जो मेन बैठे हुए हैं ऊपर। साथ ही मार्केट में जो लॉन्च होने वाले जो फूड्स हैं, जो पैकेज्ड फूड्स हैं, जिनका यूज हम लोग अधिक से अधिक कर रहे हैं, जो टेलीविजन अखबार और एड्स के माध्यम से हमको अधिक से अधिक दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग दुकान पे जाकर के उन्हीं के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जिससे उनको प्रॉफिट होता है, वो अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं और हमारा देश जो है आर्थिक और मानसिक स्थिति से नीचे गिरता जा रहा है। और यहाँ पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो ये कोरोना वायरस का वर्तमान समय में जो प्रकोप है या फिर लॉकडाउन चलाया जा रहा है, जो वैक्सीन को लेकर के एक षड्यंत्र पूरा रचा जा रहा है, ये बहुत बुरा षड्यंत्र है दोस्तों। आप यदि इन बातों को समझ पाए तो प्लीज आप इन बातों को समझिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, इस वीडियो को जरूर देखें। हमारा देश बहुत ही बुरी तरीके से फंसने वाला है, पूरा देश। ये जो हमारे पूरे विश्व के 4-5 लोग हैं ना, जो सबसे ज्यादा अमीर है, वो हमारे पूरे देश को एक नए गुलामी के दौर पे लेके जा रहे हैं, जिससे हमारे देश को आने वाले भविष्य में बहुत नुकसान पहुंचने वाला है, हमारी पीढ़ियां गुलाम बनने वाली हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा, उसे आप जरूर देखें। तो मित्रों जिस तरीके से वर्तमान समय में ये सारी परेशानियां बढ़ रही हैं, खाद्य पदार्थों के माध्यम से हो या फिर टेक्नोलॉजी टेलीविजन के माध्यम से हो या फिर तमाम अन्य भी तरीके हैं जिस तरीके से हमें बहुत बुरी तरीके से फंसाया जा रहा है, जिसके चलते हमारी नींद बहुत कम हो गई है और जिसके चलते हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। यदि आप कम नींद लेते हैं, अधिक टेलीविजन मोबाइल और अन्य चीजों का यूज करते हैं, तो इससे आपकी नींद पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, इससे आप बीमार हो सकते हैं, अन्य बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं और बहुत सारी मस्तिष्क संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। और आने वाले भविष्य में आपकी उम्र कम हो सकती है, बहुत कम उम्र में आप बूढ़े हो सकते हैं, आपकी स्किन पर झुर्रियां झाइयां आ सकती हैं। तो दोस्तों वर्तमान समय में अनिद्रा एक बहुत ही बड़ी बीमारी बन चुकी है। लोग नींद की दवाई ले लेकर सोने की चेष्टा करते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं सो पाते, रात को नींद ही नहीं आती है, और इसका सबसे बड़ा कारण जो हमने आपको बताया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका आयुर्वेदिक इलाज क्या है, क्योंकि मार्केट में जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो एलोपैथिक दवाएं बेचती हैं, वो इन्हीं अमीर लोगों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। और एलोपैथिक दवाएं इतनी ज्यादा नुकसानदायक होती हैं, इतने ज्यादा केमिकल्स, इतने ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स और तमाम तरीके की गंदी गंदी चीजों से मिलाकर बनाई जाती हैं, जो कि हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। और मार्केट में इनका बहुत अच्छे से एडवर्टाइज किया जाता है। जो हमारे बॉलीवुड के सो कॉल्ड अभिनेता हैं, जिन्हें हमने अभिनेता बना दिया है, वो लोग इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं और जबरदस्ती हमें इन चीजों को बेचा जाता है, हमें प्रोत्साहित किया जाता है कि ये दवाइयों को, इन चीजों को आप खाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। बल्कि जस्ट उल्टा है, ये चीजें हमारे हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। आप इन चीजों को लेकर के थोड़ा सेंसिटिव होइए, थोड़ा सतर्क रहिए। कोई भी चीज मार्केट में खरीदने से पहले, कोई भी दवा खरीदने से पहले, उसे यूट्यूब गूगल पे सर्च करिए कि उसका कंपोजिशन क्या है, वो दवा किस लिए है, उसका नुकसान क्या है, उसका फायदा क्या है, तभी उस दवा को कंज्यूम करिए, तभी उस दवा को लीजिए। राइट, सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी दवा के बारे में, जो कि अनिद्रा जैसी बीमारियों को दूर कर सकती है, स्ट्रेस वगैरह को दूर करती है। बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत नेचुरल दवा है, एक भी रुपए खर्च करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे महर्षियों ने जो आयुर्वेद रूपी हमें जो ग्रंथ प्रदान करके गए हैं ना मित्रों, उसमें बहुत सारी ऐसी अद्भुत अद्भुत जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे पूरे शरीर को हेल्दी रख सकती हैं, वात पित्त कफ को संतुलित कर सकती हैं, हमारे पूरे शरीर को बीमारियों से बचा सकती हैं। और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनका उपयोग आप करेंगे तो बिना किसी साइड इफेक्ट के बहुत ही आसानी से ये ठीक हो सकती हैं। हाँ, इनमें थोड़ा समय लग सकता है, बट इससे आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा। दोस्तों अनिद्रा जो बीमारी है वो एक मानसिक
अशांति के कारण होती हैं। बहुत अधिक थकान, गलत ढंग का खाना पीना, ज़्यादा कब्ज रहना, मानसिक तनाव और चिंता लेना, या फिर शरीर का रुगड़ा अवस्था में होना यानी शरीर का बीमार होना, ये भी नींद न आने की समस्याओं में से एक है। अत्यधिक धूम्रपान, मदिरापान या फिर ड्रग्स वगैरह का सेवन करना, अधिक टेलीविज़न, मोबाइल का यूज़ करना, राइट, इसमें रोगी को नींद नहीं आती है। नींद आने पर जरा सी आहट से ही नींद खुल जाती है, इसलिए शरीर में थकान और हमेशा आलस्य बना रहता है। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे बिल्कुल आयुर्वेदिक नुस्खा, जो कि महर्षि वांग भट्ट के द्वारा बताया गया है, जो कि अष्टांग हृदयम पुस्तक से लिया गया है। बिल्कुल जेन्युइन नुस्खा है, बिना किसी संकोच के इसका उपयोग करें, बहुत फायदा मिलेगा, छोटा सा नुस्खा है। दोस्तों, इस नुस्खे के लिए चाहिए सरसों का तेल या फिर आपको आंवले का तेल, और उसमें आपको थोड़ा सा कपूर मिलाना है, जो एक छोटी वाली ढेली आती है ना कपूर की, उसे आप अच्छे से पीस करके सरसों के तेल में मिला दीजिए। जितना आपके बालों में लगाने के लिए उचित तेल हो उतना लीजिए, और इसमें कपूर की एक जो ढेली होती है ना उसे अच्छे से मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसे अच्छे से सिर पर मालिश करिए। बहुत ही छोटी सी दवा, लेकिन बहुत ज्यादा आपको फायदा पहुंचाएगी, बहुत ही जेन्युइन दवा है। साथ ही एक काम और कर सकते हैं आप, कि रात को सोने से पहले आप अपने पैरों को, अपने हाथों को, अपने मुंह को अच्छे से गुनगुने पानी से धोकर सोएं, इससे भी अच्छी नींद आती है, स्ट्रेस वगैरह दूर होता है, तनाव दूर होता है, जिससे नींद अच्छी आती है। बहुत ही पावरफुल दवा है ये दोनों, इसका उपयोग करें, डेफिनेटली इससे आपको अच्छा फायदा मिलेगा। और फायदा मिले तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको फायदा मिल रहा है कि नहीं, राइट। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल हेल्थ इन आयुर्वेदा को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तुरंत आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही यदि आप हमें कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो इसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। हम मिलते हैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।